رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى في موضع آخر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها تو خالق و مالک ہے سب کا تیری ذات ہے واحد اور یکتا تو خالق و مالک ہے سب کا تیری ذات ہے واحد اور یکتا ہر عالم تیرا بھکاری ہے کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا ہر عالم تیرا بھکاری ہے کوئی بھی نہیں ہے تجھ جیسا تیری یاد سے مولا ہم سب کو تیری یاد سے مولا ہم سب کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے تیری یاد سے مولا ہم سب کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے کس در پہ کہاں پہ جائیں ہم کس در پہ کہاں پہ جائیں ہم کوئی سنتا نہیں ہے تیرے سوا کس در پہ کہاں پہ جائیں ہم کوئی سنتا نہیں ہے تیرے سوا ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں ہم ہو کے گناہوں سے بوجھل دربار میں تیرے آئے ہیں بخشش و عطا کی امید ہے بخشش و عطا کی امید ہے بس تیرے کرم سے پائے ہیں بخشش و عطا کی امید ہے بس تیرے کرم سے پائے ہیں اگلی شعر پہ غور کیجئے گا دی کیا حال ہے مسلمانوں کا دنیا کے اندر اسلام کے دشمن اب ہم کو اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں عقبی کی سعادت کی خاطر ہر ظلم و ستم ہم سہتے ہیں اسلام کے دشمن اب ہم کو خونخوار و ظالم کہتے ہیں عقبی کی سعادت کی خاطر ہر ظلم و ستم ہم سہتے ہیں
आज हमारा हाल ये क्यों हो गया, इस तरह से हम जलील क्यों हो रहे, उसका भी जवाब इसके अंदर है। कुरान सुनल की नेमत से हर मुस्लिम आज गुरेजा है। कुरान सुनल की नेमत से हर मुस्लिम आज गुरेजा है। शैतान के रास्ते पर चलकर हर कोई जहां में परेशान है। कुरान सुनल की नेमत से हर मुस्लिम आज गुरेजा है। शैतान के रास्ते पर चलकर हर कोई जहां में परेशान है। इस्लाम की दावत का जज्बा थोड़े से मुसलमान रखते हैं। इस्लाम की दावत का जज्बा थोड़े से मुसलमान रखते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं जज्बा कम है क्यों मुसलमानों में, इसका भी जवाब इसके अंदर है। इस्लाम की दावत का जज्बा थोड़े से मुसलमान रखते हैं। मौसीकी वो गंदे नगमों से थोड़े से मुसलमान बचते हैं। मौसीकी वो गंदे नगमों से थोड़े से मुसलमान बचते हैं। जो बचते हैं अल्लाह उन्हीं को तौफीक देता है। उसके बाद है, ईमान अमल के सूरज से फिर भटके हुओं को राह दिखा। ईमान अमल के सूरज से फिर भटके हुओं को राह दिखा। गुमराह मुसलमान को अपने इस्लाम पे दिल से कर दे फिदा। गुमराह मुसलमान को अपने इस्लाम पे दिल से कर दे फिदा। हम अर्श के नदामत के तालिब बस तेरी रजा के मतवाले। हम अर्श के नदामत के तालिब बस तेरी रजा के मतवाले। फिरदौस के बागों महलों और अनहार के हम हैं दीवाने। फिरदौस के बागों महलों और अनहार के हम हैं दीवाने। तू गर्मी महशर नार सकर से हमको बचाना या अल्लाह। तू गर्मी महशर नार सकर से हमको बचाना या अल्लाह। तू गर्मी महशर नार सकर से हमको बचाना या अल्लाह। जब तक है बदन में जान बाकी ईमान पे चलाना या अल्लाह। जब तक है बदन में जान बाकी ईमान पे चलाना या अल्लाह। आखिरी शेर पे भी आमीन कहिएगा। हम सब को ईमान दे या रब। हम सब को ईमान दे या रब। जन्नत में ठिकाना मिल जाए। हम सब को ईमान दे या रब। जन्नत में ठिकाना मिल जाए। हमें कब्र की मंजिल मिलते ही जन्नत का बिछौना मिल जाए। हमें कब्र की मंजिल मिलते ही जन्नत का बिछौना मिल जाए। तू खालिक मालिक है सबका, तेरी जात है वाहिद और यकता। हर आलम तेरा भिखारी है, कोई भी नहीं है तुझ जैसा। मोहतरम सामीन इकराम, हमें सबसे पहले उस रब्बे जुलजलाल की तारीफ तौसीफ बड़ाई कुबरिया बयान करनी चाहिए जो हमारा खालिक मालिक और पालनहार है, हमारा हाजत रवा मुश्किल कुशा है, हमारी बिगड़ी बनाने वाला है, बीमारियों में हमको शफा देने वाला है। और उसके बाद अनगिनत दरूद सलाम के नजराने निछावर हूँ
अल्लाह के तमाम नबियों, रसूलों, पैगंबरों पर, खुसूसन सैयदुल अव्वलीन व सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल आलमीन शाफिउल मुजरिमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुबारका मुकद्दसा मुताहरा जिन्हें रब्बुल आलमीन ने रहमत कायनात बना करके भेजा और अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामईन किराम, आज के प्रोग्राम के लिए दो मौजू का इंतखाब किया गया, तबाए रसूल क्यों और कैसे और मनहज सहाबा और आज के मौजूदा मुसलमान। तो ये हकीकी मानों में दोनों एक ही मौजू है, एक ही बात दीगरे दोनों को रखा गया है ताकि बात सही मानों में समझ में आ जाए। अभी हम और आप इत्तबाए रसूल के बारे में सुन रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की अहमियत, उसकी फजीलत, उसको मुसलमान पर किस कदर अल्लाह ने वाजिब करार दिया, उसको हम समझ रहे थे। अब इंशाल्लाह हम समझेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और पैरवी कैसे की जाए, सहाबा ने पैरवी कैसे की है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये बात मालूम करना पड़ेगी कि आज के इस दौर के अंदर हर मुसलमान ये दावा करता है, हर मुसलमान ये दावा करता है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलते हैं। लेकिन दावा करने के बावजूद तमाम लोगों के तरीक़े अलग हैं, तमाम लोगों की नमाज़ें अलग हैं, उनकी इबादतों का तरीक़ा अलग है, ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा अलग है। फ़ैसला कैसे किया जाए आखिर? दुनिया में सब लोग बोलते हैं हम इत्तबाए रसूल के मानने, हम इत्तबाए रसूल करने वाले हैं, नबी की पैरवी करने वाले, नबी की सुन्नत पर चलने वाले। तो ये मसला बड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जब मुसलमानों के तमाम जो है फ़िरकों पर नज़र डाला जाए तो ये बात बहुत मुश्किल हो जाती है, किसको सही कहेंगे किसको गलत कहेंगे। हर कोई दावा कर रहा है, हर कोई दावा करता है कि मुझसे ज़्यादा नबी को कोई नहीं मानता, मुझसे ज़्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई पैरवी नहीं करता। अब इसके लिए एक मीज़ान चाहिए ना, इसके लिए मीज़ान चाहिए। जब डुप्लीकेट और असली माल मार्केट के अंदर बिक रहा हो तो उसको परखने का कुछ मीज़ान होता है, कुछ आला होता है चेक करने के लिए, कि चेक किया जाए कि किसका जो है माल सही है, किसका माल डुप्लीकेट है। ये इत्तबा के दावेदार तो सारे हैं, हाँ इत्तबा के दावा करने वाले सभी लोग हैं, नबी से मोहब्बत कदम भरने वाले सभी लोग हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत सच्चे मानों में कौन करते हैं, इसका मीज़ान होना चाहिए, इसका तराजू होना चाहिए। और इसका मीज़ान अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को करार दिया। इत्तबा आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, सब लोग अपने में खुश हैं, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रीहून, हर मसलक वाला खुश है, हम तो नबी की पैरवी कर रहे हैं, हम तो नबी की इत्तबा कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने एक मीज़ान बना दिया उसके लिए, इस मीज़ान पे जो खरा उतरेगा, इस तराजू पे जो खरा उतरेगा उसका इत्तबा कबूल होगा, उसकी पैरवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल की जाएगी। और जो सहाबा के मनहज से हट कर जिंदगी गुजारेगा और ये दावा करेगा हम नबी की पैरवी कर रहे हैं, उसकी पैरवी काबिल कबूल नहीं होगी। क्योंकि अल्लाह ने सूरह बकरा में इरशाद फरमा दिया, फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। अल्लाह ने क्या फरमाया, अगर दुनिया के लोग उस तरह ईमान लाएं जैसे नबी के सहाबा ईमान लाए थे तो हिदायत याफ्ता रहेंगे, और अगर नबी के सहाबा के तरीके से हट कर हम कुरान की तफसीर शुरू करें, हदीस की तावील शुरू कर दें, अपने अपने इमाम के हिसाब से हदीस को मोड़ना शुरू कर दें, कुरान की आयतों की तावील शुरू कर दें, तो वो नबी के सहाबा के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। और नबी के सहाबा के तरीके के खिलाफ अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता है तो उसका ईमान काबिल कबूल नहीं। ये अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह ने कुल्लम कुल्ला इस बात का वजाहत फरमा दिया, फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फकद इहतदौ। मसला वाज़ेह हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी का हक उस वक्त तक अदा नहीं हो सकता जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का तरीका सामने ना रखा जाए, क्योंकि वही तो पहले लोग थे जो सहाबा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, आपकी नमाज को, आपके रोजे को, हज को, जक़ात को, वजू के तरीके को, सोने जागने के तरीके को, सारी चीज़ों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग याद कर रखने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के मनहज के खिलाफ
अगर कोई दावा करता है कि मैं नबी का पैरोकार हूं और उसकी पैरवी जो है वो सहाबा के मनहज के खिलाफ हो जाती है, तो हकीकी मानों में वो ईमान कबूल नहीं होगा, वो अमल कबूल नहीं होगा। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इबादतों की कबूलियत के लिए, गौर कीजिए मेरी बात पे, जिस तरह अल्लाह ताला ने इबादतों की कबूलियत के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को ज़रूरी करार दिया कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ सही हदीसों में मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का सही तरीक़ा सही हदीसों के अंदर मौजूद है, उसके मुताबिक जब तक कोई इबादत नहीं करेगा अल्लाह किसी की इबादत कबूल नहीं करेगा। इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाने में सहाबा को मेयार करार दिया कि आपका तरीक़ा आपकी सुन्नत को कैसे कबूल किया जाए, इसके लिए सहाबा का मनहज, सहाबा की सीरत और सहाबा का तरीक़ा सामने रखना बेहद ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाता है, वलियौमल आखिर आखिरत के दिन पर ईमान लाता है, वज़कर अल्लाह कसीरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा याद करता है। यहाँ ये बात भी याद रखिए कि आज मुसलमानों की ज़िल्लत का एक बहुत बड़ा सबब यह भी है कि आज मुसलमानों ने यह समझ लिया कि हमारा दीन सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है, हमारा दीन सिर्फ नमाज रोज़े का नाम है और पूरी जिंदगी इस्लाम से आजादों की गुजार रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नमाज भी थी, रोज़ा भी, हज भी, ज़कात भी, पड़ोसियों के हुकूक भी, रिश्तेदारों के हुकूक भी, हलाल व हराम की तमीज़ भी, सारी चीज़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद थी, लेकिन आज मुसलमानों ने अक्सर को छोड़ दिया और पकड़ा भी है तो सिर्फ नमाज वगैरह को पकड़ लिया, वो भी मुकम्मल तौर से नहीं पकड़ा, उसको भी फरामोश कर दिया हुआ है। इसकी वजह से आज मुसलमान जलील हो रहा है। और अल्लाह ताला ने तो कुरान में फरमा दिया कि नबी की पैरवी वैसे करो जैसे सहाबा ने किया, नबी की इत्तबा वैसे करो जैसे सहाबा ने इत्तबा किया, अल्लाह पर वैसे ईमान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए थे। इसका हुक्म अल्लाह ताला ने अपनी हदीस में भी दिया है, कुरान में तो हुक्म मौजूद है, हदीस के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीदी तौर से इसका हुक्म दिया है। रावी हदीस इरबाज इब्न सारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइज़तन बलीगा, एक मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अच्छी तकरीर की, इतना अच्छा वास किया, वजलत मिनहल कुलूब, हमारे दिल दहल गए, हमारे दिल दहल गए, वज़रफ़त मिनहल उयून, आंखों से आंसू छलक पड़े। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर का असर था कि दिल दहल गए, आंखों में आंसू आ गए। हमने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा लगता है कि अब दोबारा आपसे इस तरह तकरीर सुनने का मौका न मिल सकेगा, लग रहा है आप वसीयत आखिरी कर रहे हैं, आप आखिरी नसीहत कर रहे हैं, फ़ौसिना, आप हमें कुछ वसीयत फरमा दीजिए, आप हमें कुछ वसीयत फरमा दीजिए, लगता है दोबारा मुलाकात नहीं होगी आपसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसीकुम बितक्वल्लाह, सबसे पहली वसीयत, मैं तुमको अल्लाह के तकवे की वसीयत करता हूँ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, कोई देखे ना देखे नमाज पढ़ते रहो, कोई देखे ना देखे गुनाहों से बचते रहो, कोई देखे ना देखे हलाल और हराम की तमीज़ करके ज़िंदगी गुजारो, किसी के देखने ना देखने का कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करो, उसी को बितक्वल्लाह वस्समय वत्ता, और जो तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन हो, बादशाह हो, अमीरुल मोमिनीन हो, उसकी नाफरमानी ना करो, जब तक तुम्हें कुरान और हदीस के मुताबिक हुक्म देता रहे उसकी बात को मानते रहो, अगरचे तुम्हारे ऊपर किसी हबशी गुलाम को बना दिया जाए अमीर, हबशी गुलाम को भी अमीर बना दिया जाए तो उसकी इताअत ज़रूरी। आज हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ इसकी वजह से भी हुआ कि अगर किसी भी मस्जिद का कोई जिम्मेदार है, किसी तंजीम का कोई जिम्मेदार है, तो लोग उसकी खूबियों को नहीं देखते, उसकी खामियों पर पहले निगाह पड़ जाती है, उसकी खामियों पर पहले निगाह पड़ जाती है, और बोलेंगे अगर इसको हटा दिया जाए तो मैं बहुत अच्छा काम करूँगा, मुझे वो ओहदा दे दिया जाए,
मुझे वो मनसब दे दिया जाए तो मैं इससे अच्छा काम करूंगा। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इमारत लेने से, जिम्मेदारी लेने से मना किया, किसको? अब्दुर्रहमान इब्ने समरा रज़ियल्लाहु अन्हु को। कहा कि देखो अमीर नहीं बनना जल्दी, अमीर बनना है बहुत जिम्मेदारी के काम है, और अगर खुद मांग करके अमीर बनोगे तो अल्लाह तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, और अगर खुद तुमको इमारत दी जाएगी ज़बरदस्ती तो अल्लाह तुमको तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो अमीर की इताअत का भी हुक्म दिया कि अमीर की इताअत करो, दो जिम्मेदार है। अब आज के दौर में अमीरुल मोमिनीन तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी मस्जिद के दो जिम्मेदार हैं, ट्रस्टी हैं या किसी तंजीम के जिम्मेदार हैं मामलात को कंट्रोल करने वाले, तो उसमें अगर ज़्यादा लोग दखल अंदाजी करते हैं तो मामला चौपट होता है, मामला ख़राब हो जाता है, तंजीम ख़राब हो जाती है। तो उसकी इताअत करो जहाँ तक कुरान हदीस के मुताबिक हुक्म दे। हाँ, अगर कोई ख़िलाफ़ कुरान के हुक्म दे रहा है, अमीर हदीस के ख़िलाफ़ हुक्म दे रहा है, तो उसको समझाओ, उसे हदीस से रसूल सुनाओ, उसे कुरान हदीस की रोशनी में नसीहत करो। उसके बाद फरमाया वह इन्नहु मय्यश्मिनकुम फसयरा इख्तलाफन कसीरा। फरमाया मेरी वफात के बाद, वह आपने फरमाया दूसरी हदीस के अंदर वह इन्नहु मय्यश्मिनकुम बादी, बाज़ रवायतों में बादी का लफ्ज़ है, मेरी वफात के बाद जो दुनिया में जिंदा रहेंगे ना बहुत इख्तलाफात को देखेंगे, कोई बोलेगा ये इस्लाम सही है, कोई बोलेगा ये इस्लाम सही है, कोई बोलेगा ये मसलक सही है। आज भी वही मामला चल रहा है, लोग कन्फ्यूज़न के शिकार हैं, व्हाट्सएप वगैरह ने ऐसा लोगों को जो है यानी कन्फ्यूज़न के शिकार कर दिया कि लोग परेशान हो गए। हर आदमी अपनी अपनी बात शेयर कर रहा है, चाहे वो आलिम हो चाहे वो जाहिल हो, किसी भी मसलक का हो, सारे लोग अपनी बात पेश करते हैं। आदमी परेशान हो गया, जो जाहिल आदमी है, जो पढ़ा लिखा नहीं, परेशान हो जाता है। सबकी दलील कुरान से, सबकी दलील हदीस से मौजूद है, हर कोई हवाला हदीस का कुरान का दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो ऐसी सूरत में जब बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा हो जाए तो क्या करना, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। और चारों खलीफा जो हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान इब्न अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चार खलीफा हैं, उनके तरीक़े को पकड़ लेना, उनका जो अकीदा था वो अकीदा अपनाना, उनका जो मनहज था वो मनहज अपनाना। और उसके बाद फरमाया व इय्याकुम मुहदसातिल उमूर, और दीन में नई चीज़ों को निकालना नहीं, दीन में नई चीज़ों की इजाज़त से बचना। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, इसलिए कि हर बिदअत क्या होती है, गुमराही होती है। अल्लाह अकबर, अल्लामा अल्बानी ने इस बात को सही करार दिया। इससे बात साबित हो गई कि सहाबा के मनहज की पैरवी का हुक्म अल्लाह ने भी दिया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। कोई आपके सामने इतराज़ भी कर सकता, अरे अल्लाह ने नबी की इताअत का हुक्म दिया, नबी की इत्तबा का हुक्म दिया, सहाबा के मनहज को इख्तियार करने का अल्लाह ने हुक्म कहाँ दिया? कुरान की आयत भाई, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, सूरह बकरा की आयत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। यहाँ एक मसला ये भी जानना ज़रूरी है, सहाबी की तारीफ क्या है, सहाबी की तारीफ क्या है। आज के इस दौर के अंदर ऐसे ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब लोग पैदा हुए हैं जो बोलते हैं मैंने नबी से ख्वाब में हदीस पढ़ लिया, मैंने अबू हनीफा से ख्वाब में हदीस पढ़ लिया, ऐसी ऐसी बेसरोपा की बातें बयान करते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए थे, ऐसा किया वैसा किया, और उसमें अक्सर लोग झूठे होते हैं, अक्सर लोग झूठे होते हैं, क्योंकि जो नबी की मोहब्बत में, नबी की सीरत को पढ़ के, नबी की सुन्नत पे अमल करके, नबी को ख्वाब में देखेगा, वो अपना ख्वाब कभी दूसरे को नहीं बताएगा, क्योंकि उसका राज है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देख रहा है, ये उसके शर्फ की बात है, उससे दुनिया का फायदा हासिल नहीं करेगा। लेकिन आजकल बहुत सारे लोग झूठे ख्वाब बयान करते हैं और कहते हैं हमने नबी को ख्वाब में देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ख्वाब में देख लिया, इसलिए कि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। और उसके बाद फरमाया आगे मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये भी फरमाया जो मेरी तरफ झूठी बात मंसूब करे तो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। मालूम यह हुआ कि अगर कोई ये चाहता है कि नबी को अपने ख्वाब में सही शक्लो सूरत में देखे, जो नबी की शक्लो सूरत थी, पहले नंबर पे सुन्नत पे अमल करे, वो नबी की सुन्नत और तरीक़े पे अमल करे, नबी से मोहब्बत करने वाला बन जाए, और दूसरी चीज़ नबी की शक्लो सूरत जो सही हदीसों के अंदर सहाबा ने बयान किया उसको पढ़े, नबी की शक्लो सूरत को समझे, नबी का चेहरा कैसा था, आपकी दाढ़ी कैसी थी, आपके चेहरे पर किस तरह से बाल थे, दाढ़ी के कितने बाल सफ़ेद थे, ये सब पढ़े। ये सब नहीं पढ़ेगा तो शैतान भी आए बोलेगा मैं नबी हूँ, शैतान भी आकर के बोलेगा क्या मैं नबी हूँ, आदमी को धोखा हो जाएगा। तो आजकल बहुत सारे लोगों को शायद धोखा हो रहा है और वो सब बोलते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा।
मैंने ख्वाब देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी बुजुर्गान दीन के बारे में फला पीर साहब आए थे ख्वाब में, बुजुर्ग साहब आए थे। तो शैतान जो है नबी की शक्ल में तो नहीं आ सकता, नबी की शक्ल में आकर के नहीं बोल सकता मैं नबी हूँ, लेकिन दूसरी शक्ल में आके बोल सकता है कि मैं नबी हूँ, दूसरे की शक्ल में आके बोल सकता है। जैसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अब जिसने नहीं देखा है शैतान किसी भी शक्ल में आएगा ख्वाब में, कहेगा मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, फला बुजुर्ग हूँ, उसको क्या मालूम पड़ेगा, उसने तो देखा ही नहीं है। और आज इस इन ख्वाबों की बुनियाद पर पूरा मुसलमानों का ईमान चौपट हो रहा है, उनका दीन और अकीदा बर्बाद हो रहा है। हाँ, बुजुर्ग साहब ने कहा मैंने ख्वाब में देखा, बाकायदा रोते हैं, बतकल्लुफ रोते हैं, अल्लाह की पनाह, बतकल्लुफ लोग रोते हुए नजर आते हैं। आप देखिए इंटरनेट वगैरह के अंदर कैसे कैसे बयान अपलोड किए जाते हैं, बाकायदा लेटर पढ़ा जाता नबी को ख्वाब में देखा ऐसा किया, रो रहे हैं, बातें बयान करें, सब झूठी बातें होती हैं। अल्लाह अकबर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की तारीफ़ क्या है, मुहद्दिसीन के नज़दीक कहते हैं मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीफ़ याद कर लीजिए इसको लफ्जी तौर से मैं बताता हूँ, मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़तन मुअमिनन बिही बाद बिअसतिही हाल हयातिही व मात अला ईमान। इसमें कई बातें बयान की गई। नंबर एक, नबी से मुलाकात किया हो जिसने, नंबर एक नबी से मुलाकात किया हो जिसने, नंबर दो बेदारी की हालत में, ख्वाब चला गया ना यहाँ से, ख्वाब का मामला यहाँ से निकल कैंसिल हो गया। अगर कोई बोले मैंने नबी को ख्वाब में देखा मैं सहाबी हूँ, सहाबी नहीं हो सकते, क्योंकि सहाबी की तारीफ में ये लफ्ज़ मौजूद है। मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया मन लक़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ज़तन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे बेदारी की हालत में, पहली शर्त। दूसरी शर्त बयान किया मुमिनन बिही ईमान की हालत में मुलाकात करे, वरना अबू जहल भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया, अबू लहब ने भी मुलाकात किया, वो सहाबी कहाँ हुए। पहली शर्त बेदारी की हालत में, दूसरी ख्वाब में नहीं, ख्वाब में अगर कोई देखे तो सहाबी नहीं बन सकता, बेदारी की हालत में। दूसरी शर्त ईमान की हालत में, और तीसरी शर्त बाद बिअसत ही 40 साल के बाद जब नबूवत मिली उसके बाद मुलाकात करे। शर्त ये भी जरूरी है 40 साल के बाद जब आप नबी हो गए उसके बाद मुलाकात करें, ईमान पे कायम रहे तो सहाबी होगा। अगर कोई इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले बचपन की जिंदगी में आपसे मुलाकात करता है और नबी की रसालत आने से पहले मर जाता है, वो सहाबी नहीं हो सकता, सहाबी नहीं हो सकता। तो ये शर्तें हैं, पहली शर्त है कि बेदारी की हालत में मुलाकात करे, दूसरी शर्त ईमान की हालत में मुलाकात करे, तीसरी शर्त है कि नबी की बेअसत के बाद आप जब रसूल बना दिए गए उसके बाद, पहले अगर करेगा और बाद में उसको रसूल के बाद मुलाकात नहीं तो सहाबी नहीं हो सकता है। और उसके बाद का हाल हयात ही, हाल हयात ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी जिंदगी में, आप जब दुनिया में बाहयात थे, आपकी 63 साल जिंदगी यानी 40 साल के बाद की जो जिंदगी है नबूवत रिसालत की 23 साल जिंदगी उसमें मुलाकात करे। और आखिरी शर्त है वमात अलल ईमान, और ईमान पे उसकी वफात हो गई। ये सहाबी की तारीफ है, इसको समझ लीजिए, वरना आजकल बहुत सारे लोग धोखेबाज हैं, बोलेंगे फला भी सहाबी थे, फला भी सहाबी थे, फला भी सहाबी थे। तो सहाबी की ये शर्तें इस तारीफ के अंदर बयान की गई हैं। सहाबा की फजीलत क्या है, सहाबा की फजीलत के बारे में एक रवायत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिलती है, कहते हैं इन्नल्लाह नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के दिलों की तरफ देखा, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के दिलों की तरफ देखा, फवजदा कल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कुलूबिल इबाद, तो देखा कि सबसे बेहतरीन दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। सारे इंसानों के दिलों पर नजर अल्लाह ने दौड़ाई, देखा सब दिलों को, तो सबसे बेहतरीन दिल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया, फस्तफाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने उनको चुन लिया, उनको रसूल बना दिया। फिर बंदों के दिलों की तरफ दोबारा देखा नबी को चुनने के बाद, मोहम्मद को चुनने के बाद फिर क्या हुआ, फवजदा कुलूबा सहाबी खैर कुलूबिल इबाद, देखा जो नबी के सहाबा हैं उनका दिल तमाम इंसानों से बेहतर है। अल्लाह अकबर। नबी के जो सहाबा थे इतने पाकिजा और अच्छे दिल वाले थे कि उनका दिल सबसे अच्छा था, तो अल्लाह ताला ने नबी के जो है सहाबी के लिए उनके दिल को कबूल कर लिया, नबी के वज़रा के तौर से, उनकी तायद करने वाले, उनकी दीन की नशरशात करने वाले के तौर से। अल्लाहु अकबर। कहते हैं युकातिलूना अला दीनिही, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तरफ से क़िताल करते थे, लड़ते थे, अपनी जान की बाजियां लगाते थे। और उसके बाद फरमाया ये सारे सहाबा अगर किसी मसले में मुत्तफिक हो जाएं, किसी मसले को बयान करें सारे सहाबा मिल करके इजमाई तौर से, तो वो चीज़ सही होगी अल्लाह के नज़दीक भी। सारे सहाबा का इजमा क्या है, एक तरह से दलील की हैसियत रखता है, सारे सहाबा ने कोई बात मिलकर के बयान कर दी
तो हदीस के खिलाफ नहीं हो सकती, नबी सुन्नत की सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती। और सारे सहाबा के अगर किसी के खिलाफ हो जाए किसी बात के अंदर तो वो चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। ये सहाबा की इजमा की हुज्जियत बयान किया गया इस हदीस के अंदर कि सारे सहाबा जो है वो गलत बात नहीं बोल सकते। अल्लाह अकबर। और इसी तरह से चूँकि वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। सहाबे इकराम जो थे वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाहु अकबर। बेपनाह मोहब्बत करते थे। और जब जंग होती थी जंग के मैदान में ख़ास तौर से जंग उहुद के अंदर जब दुश्मनों का तीर आने लगा तो बहुत सारे सहाबे इकराम आए और आपके सामने खड़े हो गए और तीरों की बौछार को बर्दाश्त करते थे, मेरे नबी को कहीं तीर न लग जाए, मेरे नबी को कहीं तीर न लग जाए। और इसके बारे में अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इनका नाम भी आता है कि ये भी खड़े हो गए और सारे जितने भी तीर आते थे सबको अपने सीने पर रोकते थे कि कहीं मेरे नबी को तकलीफ ना पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। इतनी जानिसार सहाबा और इतनी मोहब्बत करने वाले थे। जब आप वजू करते वजू का पानी जमीन पे गिरने ना पाता था सहाबे इकराम अपने अपने हाथों में रोक लिया करते, आपके थूक आपके बलगम को आपके वजू के पानी को गिरते हुए देखते उसको लेने के लिए लड़ पड़ते थे, यानी एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करते थे। सही बुखारी की रवायत में रवायत मौजूद है। इतनी मोहब्बत करने वाले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब भी कोई हुक्म दे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मेरी जान क्या है, मेरी जान क्या है, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। वो इन्नका लहब्बु इलैया मिन अहली, जान से भी ज्यादा बीवी बच्चों से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो इन्नका लहब्बु इलैया मिन वलदी, अपनी औलाद से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए आगे फरमाते हैं वो इन्नी लाकूनु फिल बैत, मैं जब घर में मौजूद होता हूँ आपकी याद आ जाती है, मैं जब घर के अंदर मौजूद होता हूँ आपकी याद आ जाती है, जब आपकी याद आ जाती है फमा अस्बिरु हत्ता आती का, जब तक आपसे मुलाकात करके आपका दीदार नहीं कर लेता हूँ मेरे दिल को चैन नहीं मिलता। ये सहाबे इकराम थे। जब तक आपसे मुलाकात करके आपका दीदार नहीं करता हूँ मेरे दिल को चैन और सुकून नहीं मिलता, मैं सब्र नहीं कर पाता। आज लोग कैसी कैसी लोगों से मोहब्बत करते हैं, कैसे कैसे जालिमों से जाबिरों से बेहया और फहशकार औरतों से मोहब्बत करते हैं। ये सहाबे इकराम सबसे ज्यादा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, अपनी औलाद से भी ज्यादा, बीवी बच्चों से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। क्या हुआ फिर उसके बाद फंजुर इलैका, जब आपसे मुलाकात होती है आपका दीदार कर लेता हूं मेरे दिल को सुकून मिल जाता है। वइदा ज़करतु मौती व मौतक, लेकिन जब अपनी मौत को याद करता हूँ और आपकी मौत को याद करता हूँ मैं जानता हूँ मैं भी जन्नत में जाऊँगा, मेरे नबी भी जन्नत में जाएंगे, लेकिन नबी का दर्जा तो बड़ा ऊँचा होगा, नबी का दर्जा तो बड़ा ऊंचा होगा, नबी का मकाम तो बहुत बुलंद होगा, तो मुझे डर लगता है। कहते हैं अन्नका इज़ा दखलतल जन्ना रुफियता मा नबियीन, जब आप जन्नत में जाएंगे तो आप नबियों के साथ रहेंगे, आप नबियों के साथ रहेंगे। वइन्नी दखलतल जन्ना खशीतु अल्ला अराक, और मैं जब जन्नत में जाऊँगा मुझे डर है कि कहीं मुझे नीचे ना कर दिया जाए जन्नत में, मुझे नीचे ना कर दिया जाए और मैं जन्नत में आपका दीदार ना कर सकूँ, जन्नत में आपका दीदार ना कर सकूं। ये सहाबे इकराम तड़पते थे कि आज हम दुनिया में नबी का दीदार करते हैं, जन्नत में कैसे दीदार करेंगे, नबी तो बड़े दर्जे वाले हैं, बड़े मर्तबे वाले, बड़े मकाम वाले हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपने सुना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कभी बोलते नहीं थे दीन के बारे में, कोई भी सवाल करता था जब अल्लाह आपको जवाब बताता तभी आप बोलते थे। सहाबी इतने जज्बे के साथ सवाल कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जन्नत में बुलंद मकामात हासिल कर लेंगे, हम नीचे रह जाएंगे, आपका दीदार कैसे करेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नहीं आई थी, आप खामोश रहे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील अल्लाह का कलाम लेकर के आते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते हैं, वमन युति अल्लाह व रसूल
जो भी अल्लाह की इताअत करेगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा तो क़यामत के दिन फ़ौलाइक मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, तो वो लोग क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालेहीन के साथ, और ये बड़े अच्छे साथी हैं। अल्लाह हमको भी इन लोगों की रफाकत नसीब फरमा, अल्लाह हमको भी तो अपनी और अपने रसूल की सही इताअत करने की तौफीक अदा फरमा। उसके बाद बाज़ रवायतों में आता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को चले गए थे, उनके घर सहाबा को भेज करके बशारत सुनाई और कहा देखो आपके बारे में अल्लाह ने आयत नाजिल फरमा दी है कि आप जन्नत में हमारे साथ रहेंगे। इसी तरह दूसरे रवायत में फरमाया अल मरु मा मन हब्बा, क़यामत के दिन आदमी उसके साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करता है। आज हमारी मोहब्बत अगर नबी से कम है, फिल्मी अदाकारों से ज़्यादा, खिलाड़ियों से ज़्यादा, तो हम अंजाम सोच लें हमारा अंजाम क्या होने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरु मा मन हब्बा, क़यामत के दिन उसके साथ इंसान उठाया जाएगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। और इसी तरह से अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बयान करते हैं कि मेरे नज़दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब कोई शख्सियत नहीं थी, कोई मुअज़्ज़ज़ हस्ती नहीं थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा। मैं कभी, मैंने पूरी जिंदगी में कभी निगाह भर के रसूल को देख ना सका, ताजीम की वजह से, इकराम की वजह से इतना रोब था, इतना दबदबा था। कहते हैं मैं कभी पूरी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंख भर के ना देख सका। कहते हैं अगर कोई मुझसे पूछे कि नबी का सराबा क्या था, नबी का हुस्न जमाल कैसा था, नबी का चेहरा कैसा था, मुकम्मल तौर से अगर कोई होलिया पूछे मुझसे, मैं नहीं बयान कर पाऊंगा। ताज़ीम के तौर से और इजलाल के तौर से मैं पूरे होलिया जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कभी खुल करके देख नहीं सका। अल्लाह अकबर। इससे भी ये बात साबित होती है कि सहाबे इकराम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह अकबर। अब आइए हम गौर करते हैं कि सहाबे इकराम का तरीका क्या था। मैंने भी आपको बताया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी सहाबे इकराम के तरीके पर करेंगे तब जन्नत मिलेगी। सहाबा के तरीके से हट जाएंगे, इमामों को अपना मुर्शिद और पीर मान लेंगे, उनको अपना पेशवा मानेंगे, हदीस को कुरान को छोड़ देंगे और बोलेंगे अरे हमारे इमाम साहब ने अगर वो मसला बयान किया तो मानेंगे, क्योंकि उनको उनके अकीदे के मुताबिक कहते हैं सारी हदीसें पहुँच गई थी। अभी इसकी भी वजाहत मैं करूँगा इंशाल्लाह। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले खलीफा, सबसे पहले खलीफा। दारिमी के अंदर रवायत मौजूद है, मैमून बिन महरान कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब कोई कज़िया आता था, कोई फैसला करने लेने के लिए आता था, तो कुरान मंगाते थे, कुरान, कुरान को खोल कर देखते थे। अगर कुरान में फैसला मिल जाता तो फैसला कर देते थे, अगर कुरान में नहीं मिलता तो हदीस में देखते थे, हदीस में बात मिल जाती तो फैसला कर देते थे, और अगर हदीस में भी नहीं मिलती तो सहाबा को जमा करते थे। हदीस में नहीं मिलती तो क्या करते, सहाबे इकराम को जमा करते थे और कहते थे इस मसले में किसी को हदीस याद है क्या। इतने बड़े खलीफा थे, चाहते तो अपनी तरफ से फतवा दे सकते थे, लेकिन अल्लाह का डर देखिए, अल्लाह का खौफ देखिए, कुरान में मसला मिल गया फैसला कर दिया, हदीस के अंदर मसला मिल गया फैसला कर दिया। अगर उनको उस मसले के अंदर कोई हदीस याद नहीं होती थी तो वो लोगों को जमा करते थे और क्या कहते थे, फहल आलिम तुम अन्न रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा फी ज़ालिक भी कज़ा, क्या तुमको मालूम है कि इस मसले में ये जो मसला मुझसे पूछने के लिए आदमी आया फैसला लेने के लिए, इस कजिए के अंदर क्या तुम में से किसी को मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला दिया है। उसके बाद क्या होता, अगर कोई आदमी हदीस सुना देता और कहता मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले में यह फैसला करते हुए सुना है, तो उसके मुताबिक फैसला करते और अल्लाह की तारीफ करते, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला फीना मन यहफ़ज़ु अला नबिय्यिना, अल्लाह तेरा शुक्र है कि अभी तेरे नबी की हदीसों को याद करने वाले मौजूद हैं, नबी की हदीसों को याद करने वाले मौजूद हैं, उनसे उस मसले को दरियाफ्त करके फैसला कर दिया करते थे। और अगर हदीस कोई नहीं सुना सकता था, किसी को हदीस याद नहीं होती थी, तो सहारे सहाबा को जमा करके मशवरा किया करते थे, अब इसमें क्या किया जाए, मशवरा करते थे। अल्लाहु अकबर। इससे बात साबित होती है कि अमीरुल मोमिनीन हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत के अंदर सबसे अफजल जो है, सहाबे इकराम में दर्जा उनका है, इसके बावजूद उन्होंने कभी इसमें अपनी शान में गुस्ताखी ना समझी कि मुझे हदीस मालूम नहीं, मैं दूसरों से हदीस कैसे पूछ रहा हूँ।
मैं हदीस मुझे मालूम नहीं। हजरत बोलते अरे छोटे छोटे नौजवान लड़के हदीस लेकर आ जाते हैं, मैं तो मुफ्ती साहब हूँ, मैं तो अल्लामा हूँ। अरे अल्लामा अपनी जगह पे है, आप मुफ्ती अपनी जगह पे हैं। अगर आप हदीस के खिलाफ फतवा दे रहे हैं और कोई हदीस दिखा रहा है आपको, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप में से भी कोई अगर हदीस सुनाता है, मेरी जुबान से कुछ गलत बात निकल जाती है, हदीस सुनाता है, तो मेरी जिम्मेदारी है मैं इसी में खड़े होकर आपके सामने रुजू कर लूं कि आपने जो बात बयान की ठीक है, मुझसे जुबान में गलती हो गई, बयान करने में भूल हो गई, ये नाम नहीं ये नाम, मुझे बयान करना चाहिए था। तो ये बात अमीरुल मोमिनीन समझते थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझते थे। और उसके बाद जब भी कोई हदीस आपके सामने पेश करता उसको मान लिया करते थे। यहीं से एक और अकीदा मैं वाज़े कर दूं, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं हमारे इमाम आज़म हैं, इमाम आज़म को सारी हदीसें मालूम थी, सारी हदीसें याद थी, ये सहाबी रसूल के बारे में क्या कहेंगे। बाकायदा ये वजाहत मौजूद है, जब कोई हदीस किसी मसले में याद ना होती तो दूसरे सहाबा से पूछते थे। मालूम ये हुआ कि सारे सहाबा को नबी की A to Z सारी हदीसें, A to Z सारी हदीसें याद नहीं थी। कोई हदीस किसी को याद थी, कोई हदीस किसी को याद थी, कोई हदीस किसी को याद थी। आज जो है लोग नबी के तरीके से लोगों को भटका करके इमामों के तरीकों पर इसी नाम से ले जाते हैं। अरे ये तो इमाम साहब को सारी हदीसें जो है मालूम थी, तो जो भी फतवा वो बताते हैं उसको ले लो, आंख बंद करके परेशान क्यों होते हो। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीसें किसी एक सहाबी को याद नहीं थी, अलग अलग हदीसें सहाबे इकराम को याद हुआ करती थी। इसी तरह से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये रवायत भी मिलती है कि एक मरतबा किसी ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन मीरास में वरासत में दादी का कितना हिस्सा मिलेगा, वरासत में दादी का कितना हिस्सा मिलेगा। फलम्मा सल्ला ज़ुहरा क़ाल अय्युकुम समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फिल जद्दति शैय्या। सवाल किया गया, जहर का वक्त आ गया, आपको हदीस मालूम नहीं थी, जहर की नमाज के बाद आपने लोगों के सामने ऐलान किया, सारे सहाबा जो नमाज में शरीक थे मस्जिद के अंदर मौजूद थे, सब सहाबा के सामने इकरार किया मुझे इस मसले में हदीस नहीं मालूम है, अगर किसी को मालूम है तो बता दे। अय्युकुम अय्युकुम समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फिल जद्दति शैय्या फ़क़ाल मुग़ीरा इब्न शुअबा। मुग़ीरा इब्न शुअबा खड़े हो गए, सहाबी रसूल मुग़ीरा इब्न शुअबा खड़े हो गए और कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आताहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुदुस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादी को छठा हिस्सा देते थे, दादी को पोते के माल से छठा हिस्सा देते थे। कहते हैं फिर उसके बाद अमीरुल मोमिनीन ने कहा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा क्या इसके अलावा भी कोई और इस हदीस को जानता है, इनके अलावा भी कोई हदीस को जानता है, ताकीद के लिए, गवाही के लिए, उन्होंने मजीद वजाहत के लिए कहा इसको और कोई भी जानता है। तो एक दूसरे सहाबी खड़े हो गए, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हो गए और कहा हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है इस मसले के बारे में। इससे बात साबित हो गई कि कोई कितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना बड़ा फकीह क्यों ना हो, कितना बड़ा मुहद्दिस क्यों ना हो, हम उनकी शान में तनकीस नहीं करते, गुस्ताखी नहीं करते, मगर इस बात को भी हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि नबी का फरमान आने के बाद गैरों की बात भी लोगों को कबूल करवाया जाए, नबी की बात आने के बाद गैरों की बात मनवाई जाए, इस बात को हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यह सहाबा का मनहज है, सहाबा का तरीका है। एक और वाकई मैं आपके सामने बयान करता हूं, सहाबा में सबसे बड़े मुहद्दिस कौन है, अबू हुरैरा, याद रखो सहाबा में सबसे बड़े मुहद्दिस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मसले में उन्होंने फतवा दे दिया, फतवा दे दिया, हदीस मालूम नहीं थी, फतवा दे दिया, लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज किया, लोगों ने उसके खिलाफ एहतजाज किया। आज के दौर में जो तकलीदी जकड़बंदियों में फंसे हुए हैं, कौन है जो अपने शेखुल हदीस के खिलाफ एहतजाज करता है। सहाबा इकराम के अमीर ये जो है मुहद्दिस से बड़े हदीसों के लिखने वाले, याद करने वाले, भूख और प्यास की परवाह ना होती थी, नबी की हदीस सुनने के लिए हमेशा चिमटे रहा करते थे। एक मसले में फतवा दे लिया, कहते हैं मन असबहा जुनमन फला यसुम। इन्होंने फतवा दे दिया था कि अगर कोई रोजा रखता है और रात में वो जुनबी हो गया और जुनबी होने के बाद फज्र की वक्त के आने से पहले गुसल ना किया, जनाबत की हालत में सुबह कर लिया, रात में हम बिस्तरी किया और फज्र से पहले गुसल ना कर सका, फज्र की नमाज का वक्त चला गया, तो ऐसा आदमी रोजा ना रखे, जनाबत की हालत में जिसे सुबह किया वो रोजा ना रखे। उसके बाद क्या हुआ, यह मसला लोगों को मालूम हो गया कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतवा दे दिया है,
कि अगर कोई आदमी जनाबत की हालत में सुबह करता है तो उसका रोजा माना नहीं जाएगा। फंतलक अबू बकर, एक सहाबी अबू बकर और उनके भाई उनके अब्बू अब्दुर्रहमान, ये दो सहाबी हैं। ये दोनों सहाबी कहाँ जाते हैं? जाते हैं और उम्मुल मोमिनीन के पास जाते हैं। अबू हुरैरा जो मसला बता रहे हैं ना, इसका सही हल कहाँ मिलेगा? अज़वाज मुतहरात के पास मिलेगा। जनाबत का ताल्लुक बीवियों से होता है, जनाबत का ताल्लुक बीवियों से होता है। बीवियों के साथ हम बिस्तरी करने के बाद आप गुसल करते थे कि नहीं करते थे, इसका सही जवाब अज़वाज मुतहरात ही दे सकते हैं, क्योंकि अंदर का मामला है। अबू हुरैरा तो बाहर रहते थे, दरवाजे के बाहर इनका जो है ताल्लुक था, लेकिन अंदरूनी मामले को सहाबियात अज़वाज मुतहरात ज़्यादा जानती हैं। सहाबा की दूरंदेशी देखिए, उन्होंने इस बात की तस्करा नहीं किया कि अगर ऐसा करेंगे तो अबू हुरैरा की शान में गुस्ताखी हो जाएगी, बल्कि क्या किया, दोनों गए अज़वाज मुतहरात के पास। उनका नाम भी जिक्र किया गया, मुस्नद अहमद की रवायत है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और दूसरी सहाबिया आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मे सलमा और आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फकिलता हुमा कालता, उनके सामने ये फतवा रख दिया। क्या फतवा रखा? अबू हुरैरा ने फतवा दिया है कि अगर कोई जनाबत की हालत में सुबह करता है तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, उसका रोज़ा माना नहीं जाएगा। तो उन दोनों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना दिया और कहा, उन दोनों ने इस बात का ऐलान कर दिया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्बह जुल्मन मिन गैर इहतिलाम, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सुबह करते थे, लेकिन वो जनाबत इहतिलाम की वजह से नहीं, बल्कि बीवियों के पास जाने की वजह से होता था, और फज्र की नमाज का वक्त आ जाता था, फज्र की अजान के बाद फिर आप जो है गुसल करते थे। बात वाज़ह हो गई, सहाबिया ने जवाब दे दिया, उम्मे सलमा ने जवाब दे दिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दे दिया। ये हदीस हम लोगों को मालूम है, अल्लाहु अकबर। उसके बाद जब ये मसला वाज़े हो गया तो ये दोनों जो है वहाँ से निकले और आए मरवान के पास और वहाँ बयान किया इस मसले को और कहा, तुम दोनों जाओ, तुम दोनों जाओ और ये हदीस अबू हुरैरा को सुना दो। हुक्म दिया गया, ये दोनों जो सहाबी रसूल हदीस से सुनने के लिए गए थे, इनसे कहा गया कि जाओ और ये सहाबी रसूल को सुनाओ हदीस अबू हुरैरा को। अल्लाह अकबर। फंतलका इला अबी हुरैरा, अबू हुरैरा के पास दोनों चले गए रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इनके सामने आज के शेख हदीसों की क्या हैसियत है, इतने बड़े सहाबी हैं, लेकिन उनकी खाकसारी देखिए, तवाज़ो देखिए। जब ये दोनों पहुँचते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास और कहते हैं, दो अज़वाज मुतहरात ने इस हदीस को बयान किया है, दो अज़वाज मुतहरात में से दो ने इस हदीस को बयान किया है और कहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत की हालत में सुबह करते फिर भी रोजा मुकम्मल कर लेते थे। तो क्या कहा? काल हुमा आलम, कहा मैं ही छोटा हूं, वो बड़े हैं, वो बड़ी हैं इस मसले में। काल हुमा आलम, हदीस के अल्फाज है मुसनद अहमद में 25714 नंबर पर रवायत मौजूद है कि वो उन्होंने इस बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया, काल हुमा आलम, कहा वो दोनों इस मसले में ज्यादा जानती हैं। ऐसा भी होता है कि उस्ताद पढ़ाने वाला ज़्यादा इल्म वाला होता है, स्टूडेंट कम इल्म वाले होते हैं, लेकिन कभी किसी मसले में उल्टा हो जाता है। किसी मसले में उस्ताद को ज़्यादा मालूम होता है, शागिर्द को कम मालूम होता है। किसी मसले में शागिर्द मुताला ज़्यादा कर लेता है, उस्ताद को कम मालूम होता है, शागिर्द को ज़्यादा मालूम हो जाता है। यहाँ देखिए, सहाबे इकराम में इतना बड़ा दर्जा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके सामने हदीस को रखा गया, हदीस का हवाला पेश किया जा, फौरन उन्होंने जो है कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। और यहीं से एक बात और भी वाज़े हो जाए, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, मैं बड़े मोटे हवाले आपको देता हूँ ताकि याद रहे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तफसीर के बहुत बड़े आलिम थे, तफसीर के, कुरान की तफसीर के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में क्या कहा? अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, सही बुखारी की रवायत, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन वअल्लिमहु तावील, जिसको नबी की दुआ मिल गई कि अल्लाह इसको तफसीर का इल्म सिखा दे, अल्लाह इसको दीन का फकीह बना दे, उन्हें भी एक हदीस मालूम नहीं थी। बुखारी का हवाला मैं बयान करता हूँ, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं, सहाबे इकराम की शान में गुस्ताखी नहीं, बल्कि हकीकत बयान ही है। इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह हमको हिदायत मिल जाएगी। तो अलबत्त हमारे बड़े ने कहा, बड़े ने कहा, बड़े, अरे बड़े कितने हो जाएंगे? अबू हुरैरा से भी बड़े हो जाएंगे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई बड़ा हो सकता है? नहीं बड़ा हो सकता। ताऊस कहते हैं, मैंने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से जिक्र किया, कहा कि लोग कहते हैं कि जुमा के दिन गुसल भी करना चाहिए और खुशबूदार तेल भी लगाना चाहिए। ये ताऊस बयान करते हैं अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास सहाबी रसूल से।
तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं अम्मत कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों जुमा के दिन गुस्ल करो, अपने सरों को धुलो, अगरचे भी तुम जुनबी ना हो फिर भी गुस्ल करो। जुमा के दिन गुस्ल मुस्तहब है, जनाबत ना हो फिर भी गुस्ल करना चाहिए, फजीलत है। वसीबु मिन अत्तीब, और जो है खुशबू लगाया करो। तो इब्ने अब्बास ने कहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अम्मल गुस्लु फनअम, अम्मल गुस्लु फनअम, गुस्ल की हदीस तो मैं जानता हूँ, गुस्ल की हदीस तो मैं जानता हूँ, अम्मती फरादरी, लेकिन खुशबू की हदीस मुझे मालूम नहीं। नबी ने खुशबू लगाने का हुक्म दिया जुमा के दिन, यह हदीस मुझ तक नहीं पहुंची है, मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में। सही बुखारी में 884 नंबर पे रवायत मौजूद है, किताबुल जुमा में रवायत मौजूद है 884 नंबर पे। इससे भी ये बात साबित हो जाती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीस किसी एक सहाबी को मालूम नहीं थी, तो इमामों के बारे में दावा बिल्कुल बातिल हो गया, इमामों के बारे में दावा बिल्कुल बातिल हो गया। बोलते हैं अरे कैसी भी हदीस हो जाए, हमारे जो इमाम ने बयान किया उसके कितनी भी खिलाफ जाहिर क्यों ना हो, कोई ना कोई हिकमत तो ज़रूर इमाम साहब को मालूम नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा फतवा दे दिया है। तो ये बहुत गलत बात है, अल्लाह अकबर। और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताया गया है कि थोड़ा सा जो है मीलाद के बारे में मुख्तसर बता दीजिए, क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को समेटता हूँ रवायत बयान करके। और एक और मनहस था सहाबा का, वो मनहस क्या था? आज के दौर में हदीस के मानने के अतबार से मुसलमानों की चार किस्में हैं, नबी की सुन्नत को मानने के अतबार से कितनी किस्में हैं? चार। पहली किस्म उन लोगों की है जो आंख बंद करके हदीसों को मानते हैं, आंख बंद करके हदीसों को मानते हैं। मौलाना ने बता दिया हदीस है, पाकिस्तानी पंचसूरा में लिखा हुआ है, फला किताब में हदीस लिखा हुआ, व्हाट्सएप में हदीस आ गई, हदीस है, आंख बंद करके मानते हैं, जो भी हदीस मिल जाए अल्लम गल्लम सारी की सारी चीज़ों को लोग मान लेते हैं। ये भी गुमराही का तबका है, गुमराह लोगों का तबका है जो आंख बंद करके हदीस को मान ले, इसलिए कि हदीसों में बहुत सारी मनगढ़ंत रवायतें भी हैं, मौजू भी रवायतें हैं, उलमा ने किताबें लिखी हैं, और धड़ल्ले के साथ उनके बातिल परस्त उलमा बोलते हैं। अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने इसको अलमौज़ूआत में लिख दिया, अलमौज़ूआत यानी मौजू रवायत की किताबें, उसमें लिख दिया है, और लोग उसको सुन लेते मान लेते हैं। और दूसरा तबका उन लोगों का है जो बोलते हैं हम हदीस को मानेंगे ही नहीं, हमारे लिए तो इमाम की शरीयत काफ़ी है, इमाम का कौल काफ़ी है। दूसरा तबका एक बिल्कुल हदीस को नहीं मानता, एक बिल्कुल मानता है, जो भी हदीस के हवाले से दो, माए सफ़र के बारे में, रबीउल के बारे में, रजब के बारे में, जो भी रवायत मिल जाए मनगढ़ंत रवायत सारे को ले लेते हैं, और दूसरे सारे को छोड़ दें। अरे सारे को छोड़ो, इमाम का कौल ही काफ़ी है, हमारे इमाम तो सबसे बड़े इमाम हैं, उनका कौल आ गया फिर ज़रूरत क्या हदीस की, ये सब झमेले में फंसने की क्या ज़रूरत है। और तीसरा तबका ऐसा है जो बोलता है हदीस को लेके आओ, मैं अकल पर जाँचूँगा तब मानूंगा, हदीस को लेके आओ मैं अकल से जाँचूँगा उसके बाद बोलूँगा ये हदीस सही है। रवायत सही हो कि ना सही हो, कैसी भी रवायत हो, अगर अकल में आ गई तो मान लेते हैं, अकल में नहीं आए तो सही बुखारी की रात बोलेंगे रवायत समझ में नहीं आ रही। और चौथा तबका हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह जो सही हदीस है उसको मान लेते हैं, जो मनगढ़ंत और मुज़दर रवायत बता दिया जाए दलील के साथ उसको छोड़ देते हैं। तो मैं इस बात का तस्करा इसलिए किया हूँ कि इसके अंदर एक रवायत है उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उन्होंने हजरे अस्वद को बोसा दिया, हजरे अस्वद को चूमा, और चूमने के बाद कहा इन्नी आलमु अन्नका हजर, मुझे मालूम है तू पत्थर है, मुझे मालूम है तू पत्थर है, अगर मैंने नबी को तुझे चूमते हुए ना देखता तो मैं तुझको नहीं चूमता था। तो नबी का फरमान आ जाए, नबी की हदीस आ जाए, तो उसके अंदर हिकमत मालूम नहीं करना चाहिए ज़्यादा, हिकमत क्या है, इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या फ़ायदा होगा हमको, ये सारी चीज़ों को पूछने की ज़रूरत नहीं। नबी का फरमान आ गया, अकल में आए कि ना आए, दिमाग में बैठे कि ना बैठे, हमें उसको कबूल कर लेना चाहिए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है लौकान दीन बिर्राई लकान असफलुल खुफ्फ औला बिल मस्ह मिन अला, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा देखो दीन की बुनियाद अकल पर नहीं रखी गई, अकल से मत जांचो दीन और कुरान और हदीस को, अकल से मत परखो इसको, अगर दीन की बुनियाद अकल पे होती तो मौज़ों के ऊपरी हिस्से का मसा का हुक्म न दिया जाता, पैर का निचला हिस्सा जमीन से लगता है ना, मौज़ों के ऊपर मसा का हुक्म दिया गया। यह हदीस की किताबों के अंदर सही कौल मनकूल है अली रज़ियल्लाहु तआला का। अब यहीं से मैं आखिरी बात